3000 के अंदर एक ऐसा गेमिंग फोन जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2, प्लस उसके अंदर 90 FPS भी होगा। वो फोन खतरनाक परफॉर्मेंस भी देगा, बोले तो एकदम खतरनाक डिस्प्ले, एक खतरनाक बैटरी बैकअप, खतरनाक चार्जर, खतरनाक कैमरा एंड साथ ही साथ में वो फोन 5G भी होने वाला है, बोले तो एकदम ऑलराउंडर फोन। हबीबी, पागल समझ रखा है क्या हम लोगों को? अरे लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे, पागल क्या सिंचन, तू ही बता। सही कह रहे भैया, ये हमें पागल बना रहा है। अबे कैसे मिल सकता है 20,000 के अंदर वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2? अरे अगर तुम ये वीडियो देखोगे तब पता चलेगा ना बाबू, ऐसे फोन मिलते नहीं है, ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए तुम्हारे भाई ने रिसर्च किया है। तो अगर तुम्हारा बजट 20,000 है तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन बताने वाला हूँ अंडर 20,000 के अंदर, और तुमको बार बार इधर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई किस फोन में पैसा लगाऊं समझ नहीं आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन मैं तुम लोग को एकदम क्लियर कर दूंगा, तो मेक श्योर एंड तक देखना। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स क्या हाल चाल यार? अब देखो वीडियो लोग, मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल बार बार सता रहा होगा कि अबे ऐसा कौन सा फोन है भाई जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है बच्ची। बट ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई, पॉसिबल है। काफी सारे मेरे भाई लोग जो है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई अगर हमारे पास 20,000 रुपए हैं, देखो मेरी बात को गौर से सुन लो, स्किप मत करना कि भाई बकवास कर रहे, नहीं सुनो सुनो पहले मेरी बात, समझते नहीं हो फिर बाद में मुझे कमेंट में गाली देते हो कि भाई तूने जो फोन बताया समझो, पहले समझो, पहले समझोगे तभी एक ढंग का फोन लोगे और पैसा इधर उधर बर्बाद नहीं करोगे। क्योंकि देखो 20,000, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह ही हूँ, ठीक है। हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमारे घर में भी दिक्कतें आती हैं, हमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लेके दिक्कतें सहना पड़ता है, और 20,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है स्पेशली मेरे लिए। तो अब जितने अमीर लोग देख रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पता होगा कि 20,000 कोई मामूली बात नहीं है बेटे। अगर गलत फोन पर लगा दिया ना तो इतनी गालियां सुननी पड़ेगी ना कि कान से और समझो ना हर जगह से बस क्या निकलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले होते ही ऐसे, अब उनकी कोई गलती है नहीं। अगर हमने फोर्स करके बोल दिया कि पापा मम्मी मेरे को ना यूट्यूबर बनना है, मेरे को ना देखो अच्छा गेम, मेरे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, नहीं मम्मी मेरे को ना कॉलेज जाना, मैं ये करता वो करता, मुझे एक अच्छा फोन चाहिए 20,000 में, प्लीज ये फोन मुझे पसंद है ये ले लो, लेकिन वो बोलेंगे बेटा ये फोन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन तुम फोर्स करके खरीदवा दोगे, और 20,000 का लेने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि अबे ये फोन तो ढंग का FPS भी नहीं देता, और यार ये लेकिन ये तो परफॉर्म भी अच्छा नहीं करता, और ना इसका कैमरा खराब है। तो ये सब दिक्कतें तुम लोग को बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और जो मैं फोन चूज करके लेके आया हूँ वो पता नहीं मुझे बहुत सारी गालियां भी पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो मैंने कम से कम 2 हफ्ते तक रिसर्च किया, मैं बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना दी थी, बट मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा टाइम लूंगा थोड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ कि बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है खुद लेने के लिए। लेकिन खैर मैं पहले फोन के स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि फोन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, बोले तो माल मसाला वीडियो लोग, उसके बाद बताऊंगा फोन का नाम। तो मेक श्योर एंड तक देखना, अगर तुम्हारा बजट 20,000 का है तो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तुम लोग को फोन बताऊंगा वो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक चलने वाला फोन ही बताऊंगा, तो मेक श्योर पूरा एंड तक देखना है ना। खैर बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की, बोले तो माल मसाला यानी स्पेसिफिकेशंस हकलाने लगता है रे मैं। बात करें इसके डिस्प्ले की तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 6.78 inches का 1.5K वाला AMOLED डिस्प्ले, एंड जिसमें तुम्हें देखने को मिलता है 144Hz का रिफ्रेश रेट। एंड हाँ अभी सबसे बड़ा सवाल आएगा भाई, बैटरी बैकअप कितना देखने को मिलेंगे? तो हाँ बैटरी बैकअप तुम्हें देखने को मिलता है 5160 का। अब आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ये थोड़ा सा ज्यादा, कि हमें क्या बताना चाह रहा है तू भाई, देखो थोड़ा कम, देखो ज्यादातर फोन्स में ना 5000 ही मिलता है आजकल, 5000 पक गया भाई, कुछ नया नंबर बोलने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही सही है ना, खुश हो जाओ, थोड़ा तो ज्यादा मिल रहा है, कम से कम है ना 5160, थोड़ा तो ज्यादा है, 160 ज्यादा दे दिया, क्या 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 दिक्कत है भाई, सही बात है ना। खैर बात करें इसके चार्जर की, एंड चार्जर भी काफी खतरनाक इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे घर में भी यही चार्जर है, बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। तुम लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कौन सा चार्जर है, तो 120W का इसके अंदर तुम्हें फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड सबसे बड़ा सवाल कि इस फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वो बताने से पहले बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की। आई नो काफी गेमर्स
बोलेंगे भाई कैमरे इंपोर्टेंट नहीं है, अब फोटो नहीं खिंचाओगे क्या तुम लोग? इंसान नहीं हो, एलियन हो, है जादू हो, जादू धूप धूप करते हुए घूमते हो क्या तुम? फोटो नहीं खिंचाते तुम तो खूबसूरत हो ना भाई, अपने आप को हैंडसम मानते हो तो कैमरा देखना पड़ता है यार। क्या खुद भी खिंचाता हूँ, बल्कि मेरी सूरत तो सबसे गंदी है, तुम लोग से तो गंदी होगी। खैर बात करें, मैं बहुत खूबसूरत हूँ यार। खैर बात करें उनकी कैमरा की, तो तुम्हें देखने को मिलता है मेन कैमरा जो है वो है 50 मेगापिक्सल का, एंड जो फ्रंट वाला कैमरा है बोले तो सेल्फी वाला, जिसमें लड़कियां फिल्टर बना के हमें, मतलब फिल्टर लगा के हमें बेवकूफ बनाती है। अगर कोई लेडीज देख रही है तो सॉरी सॉरी दीदी, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मेरे को मेरे पे केस मत करना। इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है जो सेल्फी वाला कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। अब सबसे बड़ा सवाल, फोन में प्रोसेसर क्या है और कितना FPS ये फोन देगा, वो बताने से पहले मेरा तुम सभी भाइयों और बहनों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग चैनल पे नए आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, है ना। अगर तुम लोग को ऐसे ही फोन के रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, या फिर मेरी आवाज, या फिर हबीबी, या फिर सिंचन कोई भी पसंद आ रहा है तो कर लो यार, हमें जल्दी जल्दी 11,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने। पिछली वीडियो में तुम लोग ने मुझे मेरी औकात दिखा दी भाई, मैं 20,000 बोल रहा था, किसी ने बोला भाई तेरी औकात है 20,000 की, तो मैंने अभी 11,000 ही बोलूंगा, ठीक है, धीरे धीरे बोलूंगा। खैर तो करा देना, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर देना। और अगर तुम लोग को मुझसे पर्सनली कुछ भी जानना है बोले तो एकदम 1-to-1 टॉक करना है, गंदे बच्चों वैसे वाला नहीं। अगर तुम लोग को मुझसे कुछ सवाल है ना, कुछ पूछना है किसी भी फोन के बारे में, तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वीडियो लोग, एंड दीदी लोग, दीदी बोलूंगा सालों, नहीं तो तुम लोग मुझे कमेंट में गाली दोगे, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, है ना। कुछ भी सवाल हो इंस्टाग्राम पे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ, अब बात करें कि ये फोन में कितना तुम्हें FPS निकाल के देगा एंड कौन सा तुम्हें इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ऑफ कोर्स मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मेरी जुबान कुत्ते की, क्या बोल दिया यार मैंने, मतलब हैप्पी हैप्पी डॉगीज क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर तुम्हें ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ही देखने को मिलता है। मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई, तुम लोगों को क्या लग रहा था हर बात पे झूठ बोलूंगा क्या? नहीं हबीबी, तू तो बोलता ही है। हाँ भाई सही कह रहा है, अबे चुप हो जा तुम दोनों। खैर बात लगी कि अगर इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है तो ये कितना FPS सपोर्ट करेगा। तो ऑफ कोर्स जिस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है बड़े लोग, तो तुम्हें क्या लगता है 60 FPS देगा? अजय घंटा मेरा 90 FPS सपोर्ट करता है ये फोन, 90 FPS बोले तो एकदम लल्लन टॉप गेमिंग करेगा तुम लोग का। अभी तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई इस फोन का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, पता चादर मोड। मेरे भाइयों गाली मत दो यार कमेंट में, मुझे पता है अभी देखो जो मैं चीज बोलने वाला हूँ ना उसके बाद मुझे काफी ज्यादा भर भर के हेट मिलने वाला है। अब तुम लोग बोलोगे क्यों हेट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी की है जिसके बाद मुझे हेट मिलेगा, लेकिन देखो तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज हेट मत देना, ठीक है। और इससे पहले मैं फोन का नाम बताऊं, अगर तुम लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, है ना, अगर यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में ना बस 66 लिख देना, 666 लिख देना, ऐसे लिख दो 6666, लोग मतलब कंफ्यूज करो भाई, कॉमेडी करते हैं, ठीक है। और देखो जो भी 666 लिखेगा ना उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा जल्दी, है ना, तो कमेंट में लिख देना। लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लोग सोचेंगे भाई ये लोग 6666 क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका, लेकिन सिर्फ वो तुम्हारी और मेरी राज की बात रहेगी। खैर बात करें इस फोन का नाम क्या है, तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है मुझे पता है, बट प्लीज 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 मेरी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। इससे पहले तुम लोग मुझे हेट दो कि रावण तेरी तो अभी तेरा ध्यान कर देंगे हम, यही पहले मेरी बात सुन लेना। इस फोन का नाम है IQ Neo 9 Pro। अब आई नो काफी लोग बोलेंगे अबे साले ये 20,000 का फोन नहीं है, नल्ले बेरोजगार क्या बोल रहा है बे। अरे अरे ठीक है सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हें ये फोन 20,000 के अंदर मिलेगा। देखो गौर से सुन लो मेरी बात, आई नो जितना भी मैंने रिसर्च किया है मेरे हिसाब से ये फोन 20,000 के अंदर मिल सकता है, लेकिन कैसे वो मैं तुम्हें एकदम गौर से बताऊंगा, तो स्किप बिल्कुल मत करना, मेरी बात को गौर से सुनते रहो। देखो मैं जानता हूँ कि ये फोन जो लॉन्च होने वाला है, ये फोन लॉन्च होगा 30,000 से 25,000 के बीच में, यानी 25 to 30 के बीच में। और काफी सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं भाई रावण भाई 31 से लेके 40 के बीच में मिलेगा, लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च किया ना मेरे हिसाब से ये फोन एटलीस्ट, ठीक है, 25 से लेके 30 के बीच में ही आएगा, या फिर 1-2 हज़ार 30 से ज्यादा हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे साले तू हमें पागल बना रहा है, फिर 20,000
के अंदर कैसे मिल सकता है। देखो मेरा मानना है कि फोन जब लॉन्च होगा तो 25 से लेकर 30 के बीच में ही लॉन्च होगा, है ना। और अगर फोन 25 का लॉन्च होता है, ठीक है, 25 का अगर ये फोन इंडिया में आता है तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ऑफर्स, डील्स सब कुछ आती रहती हैं, तो उस बीच तुम आराम से इस फोन को 22,000 के अंदर आराम से ले सकते हो बैंक ऑफर्स वगैरह लगाकर, अगर ये फोन 25,000 का आता है। लेकिन अगर ये फोन 30,000 का आता है तो तुम लोग को एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देखते हुए मेरे कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे होंगे, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप भाई की, वैसे बाप भाई पे तो कोई गाली देता नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे, तुम लोग खोल के देखना बहुत गालियां पड़ रही होंगी मुझे कमेंट पे, तो उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर फोन 30,000 का लॉन्च होता भी है तो फोन का प्राइस गिरेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, फोन का प्राइस गिरेगा, कम से कम 28-27 तो जाएगा जाएगा। और जब डील्स वगैरह या फिर ऑफर वगैरह आते हैं, तुम लोगों को पता होगा, तब फोन का रेट काफी कम हो जाएगा। और अगर तुम उस पे सोने पे सुहागा, अगर तुम बैंक ऑफर्स अगर ये सब चीजें लगा देते हो तो तुमको फोन और सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर तुम लोगों का बजट 20,000 है तो प्लीज इस फोन के लिए रुको, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, इस फोन को आने दो। ये फोन अभी लॉन्च नहीं होने वाला है, फोन लॉन्च होगा 22 फरवरी को। और अगर तुम लोग उस दिन वीडियो देख रहे हो, उससे पहले देख रहे हो, उसके बाद भी वीडियो देख रहे हो ना, तो जैसे ये फोन लॉन्च होगा तो उसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाकर, है ना, जब वो फोन लॉन्च हो जाए उसके बाद अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के लिंक मैं दे दिया होगा, तब तक क्लिक करके देख लेना कितना प्राइस है। और अगर फोन का प्राइस 25,000 रहा तो भाई भग के खरीद लेना, और अगर ज्यादा रहा तो देखेंगे, कुछ जुगाड़ निकालूंगा मैं, है ना। चैनल पर तुमको इसके रिलेटेड और वीडियोस तब तक मिल भी जाएंगी। खैर, मुझे इस वीडियो में बहुत गालियां पड़ने वाली, बस तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम्हारे पैसे बर्बाद ना हो, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं रुकना है कि नहीं भाई मेरा बजट 20,000 है, एकदम टाइट है भाई, टाइट एकदम कसा हुआ टाइट, इससे एक दो ऊपर 2-3 हज़ार भी मैं नहीं जा सकता, और तुमको अगर 20,000 के अंदर ही अच्छा गेमिंग फोन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने 20,000 के 4 ऐसे खतरनाक गेमिंग फोन बताए जो कि लेटेस्ट हैं, ठीक है, लेटेस्ट कुछ नए फोन भी ऐड करते हुए बताएं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा FPS देखने को मिलेगा। और तुम सोच रहे हो वीडियो कहाँ है, तो उस वीडियो का लिंक सामने और अगर जाने मन क्लिक करो और अभी देखो, और मैं मिलूंगा तुम्हें सामने वाली वीडियो में।